I'm Swayan Vora, founder of Master Foundation. Our foundation always searching the new talents. Recently we had done program of celebration of N7. Before that, one program we had done in the name of Vyanjan and Manoranjan. In that, so many new talents we searched and we get a platform. Now our team is going to Ahmedabad for Talent Hunt 3. And that date, venue, everything will declare very soon in front of the media, very soon. And audition will be start, audition date, program date, everything will declare after confirming the date. So our team is going to Ahmedabad in couples of day, and very soon will declare about the new dates. Thank you. Namaskar, main Master Foundation ki sponsor hoon. और हम आगे टैलेंट हंट 3 लोगों के सामने दिखाने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी मीडिया वालों का साथ इसी तरह से बना रहेगा और नए नए कलाकारों को और जो टैलेंट हंट 3 के विनर्स हैं उनको मेरी शुभेच्छाएं। हेलो, मैं मास्टर फाउंडेशन की ट्रस्टी नजमा एम वोरा हूँ। हम पिछले 6-7 साल से मास्टर फाउंडेशन चला रहे हैं और हमारा टैलेंट हंट 3 गुजरात में होने वाला है। वहाँ पे जाके हम नए नए टैलेंटेड को सर्च करने वाले हैं और वहाँ पर ऑडिशन लेने वाले हैं और गुजरात में बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। और हम यही चाहेंगे कि हमारा मास्टर फाउंडेशन खूब आगे बढ़े और जो हमारा फाउंडेशन होता है और उसमें जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको उनसे रोजी रोजगार भी मिलता है और हमारा फाउंडेशन आगे बढ़े। आप लोगों का सपोर्ट हो तो खूब आगे बढ़े। हेलो, मैं पल्लवी शिंदे हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ यूथ विंग इन मास्टर फाउंडेशन। मास्टर फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है इसलिए मैं मास्टर फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ। मास्टर फाउंडेशन ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी तक किए हैं। अभी मास्टर फाउंडेशन टैलेंट हंट 1 और टैलेंट हंट 2 के बाद टैलेंट हंट 3 सामने ला रहा है। इस टैलेंट हंट 3 में जो गरीब, अनाथ और अपंग बच्चे हैं या फिर न्यू कमर आर्टिस्ट जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बारे में मिस्टर वोरा ने जो ये कॉन्सेप्ट रखा है इससे उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। सो ये हम टैलेंट हंट 3 जो कर रहे हैं इसके लिए ऑडिशंस नायगांव वेस्ट, वसई, मुंबई में हो रहे हैं और अहमदाबाद में भी हो रहे हैं। तो इसका अभी पूरा ये हो चुका है, डेट नेक्स्ट न्यूज़ में डिक्लेयर हो जाएगी। सो मैं ये चाहती हूँ कि सारे न्यू कमर आर्टिस्ट, ऑर्फन, गरीब और जो भी अनाथ है, अपंग है, वो सब आए और इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं, यहाँ पर प्रेजेंट करें, अपने आप की कला दिखाएं। सो मेरी उनके लिए शुभकामनाएं है। मिर्जा, मास्टर फाउंडेशन की सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी होने के नाते मैंने देखा है कि मास्टर फाउंडेशन में जितने भी टैलेंट्स है, अब तक के जितने भी प्रोग्राम हुए सब सक्सेस हुए और आगे जो तीसरा जो होने वाला टैलेंट हंट 3 टैलेंट हंट 3 में मतलब जो है ये अहमदाबाद में होने वाला है और उसके लिए हमने मतलब जो है ना जितने भी है डिजेबल पर्सन है और जिसके नए नए जो है टैलेंट आने वाले हैं उनको पेश कर रहे हैं। अब बस दुआ कीजिए कि टैलेंट हंट 3 कामयाब हो जाए और इसकी डेट अभी फिक्स हुई नहीं है। जैसे ही डेट आएगी तो प्रेस को बता दिया जाएगा और वेन्यू दोनों। मेरी शुभकामना और आपका आप लोगों की दुआएं, वो दुआ कीजिए कि मास्टर फाउंडेशन का ये टैलेंट हंट 3 सक्सेस हो। मेरा नाम आफरीन कुरैशी है, मैं मास्टर फाउंडेशन की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। पिछले 2 साल से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, मुझे ग्रुप ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गरीब बच्चों को, हैंडीकैप लोगों को सपोर्ट किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ाते हैं और जो गरीब है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं आगे बढ़ने के लिए उनको भी यहाँ से चांस मिलता है। बहुत से मास्टर फाउंडेशन से बहुत से लोग ये सीरियल्स में, मूवीज़ में लोगों को डांसिंग का, सिंगिंग का चांस मिला है। मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। माय नेम इज शकील अंसारी और मैं मास्टर फाउंडेशन का कोरियोग्राफर हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी जगह पे डांस किया और जो वोरा सर ने उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, उन्होंने मुझे एक स्टेज पे डांस करते हुए देखा कि मैं अच्छा डांस कर रहा हूँ, तो
और मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो हैंडीकैप बच्चे रहते, पुअर बच्चे रहते, वो लोगों को एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। मैंने डांस किया उधर पे, मुझे स्टेज नहीं मिल पा रहा था, स्टेज की मिल रहा था बट जैसे पैसा बहुत जगह लिया जा रहा था, बट सर ने बोले देख तेरे अंदर टैलेंट है तो हमारे दर पर हम लोग तुझे एक लेवल प्रोवाइड कर दे। तो सर ने मुझे अपने यहाँ पे लेके आया और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाया भी, और अभी मैं बहुत सारे स्कूल्स में सर की वजह से एक काम करता हूँ और बहुत सारे मुझे शोज़ भी मिलते। और इस बार मैं ट्राई करूँगा कि जो टैलेंट हंट 3 आ रहा है हमारा अहमदाबाद में, उसके अंदर मैं परफॉर्म करूँ और मैं बताऊँ कि सर ने मुझे यहाँ तक का लेके आया, वो सर के मुझे यहाँ तक का लेके आया तो मुझे उससे कितना प्रॉफिट हुआ। और उसी के थ्रू मैं डांस सीखा यहाँ पे, और मैं डांस करता भी और मैं सिखाता भी, उससे मैं जो भी मेरा फीस और मेरा घर भी मैं इसके थ्रू चलाता हूँ। हेलो, मेरा नाम नजमा कुरैशी है, मैं मास्टर फाउंडेशन की ग्रुप कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरे को इस ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले ऐसा कभी कहीं चांस नहीं मिला और यहाँ पर आने के बाद में मैंने मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने भी मिली और दूसरों को भी बताने के लिए कैसा बताना चाहिए क्या, वो सब मुझे यहाँ से मिला। और दूसरी बात तो ये कि हमारा जो मास्टर फाउंडेशन है, जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ है, हैंडीकैप है, उन सबको चांस देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जिनको आज तक कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कोई कोई अपने पैसों के वजह से, कोई कोई अपने घर की प्रॉब्लम्स के वजह से आगे नहीं आ सकता है, तो उनको यहीं से चांस आगे दिया जाता है। और मेरे को इसमें ज्वाइन होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें मुझे जो काम करने भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जो दूसरे जो मेंबर्स है उनको भी ज्वाइन कराया है, उनका भी काम अच्छा चल रहा है। इन सब का देख के मुझे भी खुशी हो रही है और सामने वालों को भी खुशी हो रही है। और बस खाली इतनी सी विनती है कि आप लोग का भी साथ चाहिए और आप लोग की दुआ चाहिए। मैं यास्मीन शेख मास्टर फाउंडेशन की मेंबर हूँ, पिछले एक साल से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है। ऐसे तो मैंने कई म्यूज़िकल शोज़ में एंकरिंग की है, लेकिन मास्टर फाउंडेशन में जब मुझे एंकरिंग का मौका मिला तो मुझे यहाँ पर ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मास्टर फाउंडेशन जिसके फाउंडर है मिस्टर इफ्तिकार वोरा, वो यहाँ पर अनाथ बच्चों को और डिसेबल जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिलता, उनमें टैलेंट है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, तो उन बच्चों के लिए वोरा सर जो काम कर रहे हैं ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उनका फ्यूचर सिक्योर होने के लिए उनको यहाँ पर मौका दिया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि ताकि वो अपना टैलेंट दुनिया के सामने दिखा सकें और दुनिया वाले उनको जान सकें कि ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट भरपूर है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, जो कि मास्टर फाउंडेशन उनको देता है। तो मास्टर फाउंडेशन का एक मकसद जो है ये बहुत ही अच्छा है, जो कि दूसरे म्यूज़िकल ग्रुप्स का ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ पर काम करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि ऐसे बच्चों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और उनको इस फाउंडेशन के द्वारा आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि इन बच्चों के लिए आप लोग भी कॉपरेट जितना भी कर सकते हैं कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बरकत खान है, मैं मास्टर फाउंडेशन से 6-7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। वो प्रोग्राम मैंने देखा कि मास्टर फाउंडेशन गरीब बच्चों को सहारा देती है, उनको प्लेटफॉर्म देती है। वैसे टैलेंट सब में होता है, सब में टैलेंट होता है, लेकिन मास्टर फाउंडेशन वो टैलेंट को निखारती है। वो बच्चे अपने दम पे खड़े होते हैं और अपने पेरेंट्स को कमा के देते हैं, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। तो आपसे विनती है कि आप मास्टर फाउंडेशन से जुड़े और कुछ सपोर्ट दें और टैलेंट एंड 3 के लिए थोड़ा सपोर्ट दें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अलीना मिर्ज़ा है, मैं मास्टर फाउंडेशन की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और सिंगर हूँ मास्टर फाउंडेशन की। मुझे मास्टर फाउंडेशन में आके बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे डिजेबल और हैंडीकैप सब बच्चे लोगों को, गरीब बच्चे लोगों को, मतलब जिधर मंच नहीं मिल पाता जिसको, तो यहाँ पे दिया जाता है। और जगह मतलब बहुत ऐसा है कि उन लोग को मंच नहीं मिल पाता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो मायूस होके जाते हैं, तो मास्टर ऐसा है कि यहाँ से कोई मायूस होके नहीं जा सकता। और हमारा नेक्स्ट शो आने वाला है टैलेंट हंट 3, अभी उसकी डेट फिक्स नहीं हुई है, जैसे ही फिक्स होगी आपको बताएंगे। और आपका साथ और सपोर्ट चाहिए हमें, आपका साथ और सपोर्ट रहेगा तो हम काफ़ी आगे तक जाएंगे। आई एम मिस्टर एंथनी फुटाडो, अ मेंबर ऑफ दिस मास्टर फाउंडेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर्स।
I am very happy to be associated with this association. The founder, Mr. Iftikhar Ora, and his team, I should say, is doing a yeoman job going around the streets of Mumbai, the platforms, the bridges, and all the slum areas, trying to find out all the talents from among the poor and the handicapped people, which today is very difficult to get people like him and his team. In this past 2 years, there have been many performances, and I am proud to say that there are a few of them who have been trained by them, and today they are not only having a small platform, some of them have been offered a bigger platform. And proud to say that they are spreading their wings, they are going ahead. Now today it is Mumbai, very soon they will be going to Ahmedabad, and there they will be performing and trying to find the talents from among the poor people in Ahmedabad. And very soon, when they decide the date and the venue, it will be decided and given out to the press. I wish them all the very best in this venture of theirs.